हेलो एवरीवन, मेरे चैनल ज्ञान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ ए और एन, मतलब इंग्लिश ग्रामर में एन और ए का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपके बिल्कुल एक एक डाउट क्लियर होने वाले हैं आज। ठीक है, तो वीडियो को देखना एंड तक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे, हम सभी जानते हैं कि देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं 26 लेटर्स से हम आज सीखेंगे कि हम यूज ऑफ एन, मतलब ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वीडियो है। देखिए सबसे पहले देखिए, हमें मैंने दो चीज़ें कलर में लिखा है, देखिए एक तो ब्लैक कलर में और एक रेड कलर में। ठीक है, देखिए जो ब्लैक कलर के हैं उनको हम इधर इन बॉक्स में लिख लेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे आगे बताऊंगा। देखिए सबसे पहले लिखेंगे ए, ई भी ब्लैक कलर का है, आई भी ब्लैक कलर में है, ओ भी ब्लैक कलर में है और यू भी ब्लैक कलर में है। ठीक है, यहाँ पर इनको लिख लेंगे अलग। अब देखिए, अब हम देखते हैं हमने यहाँ क्यों लिखा। ठीक है, क्यों लिखा, देखिए हमने इसलिए लिखा क्योंकि देखिए यहाँ हमारे सभी क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। वोवेल्स, वोवेल्स मतलब स्वर होते हैं। ठीक है, और हमारे जो बाकी हमारे सारे रेड कलर में हैं, ये देखिए जो बचे हैं मतलब इनको छोड़कर पाँच को वहाँ से हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन है। ठीक है, तो देखिए स्वर व्यंजन का क्या खेल होता है, सारा खेल इसमें स्वर और व्यंजन का ही होता है, ए और एन में। ठीक है, कि होता है मैं ये बताऊंगा आपको, तो आपको इतना डाउट क्लियर होगा। देखिए मैंने अभी क्या किया है, यहाँ तक अभी मैंने अभी इन वोवेल्स को मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और हमारे वोवेल्स पाँच होते हैं। ठीक है, टोटल वोवेल्स कितने होते हैं, पाँच, और बाकी 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट हमें होते यूज हैं। ठीक है, देखे ए का यूज यहाँ पर होता है और एन का प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, तो वो सीखना है कैसे। देखिए हमें ए का यूज वहाँ पर करना है जिसका मतलब जिस सेंटेंस की में जो हमारा वर्ड है, जैसे कि हमारा वर्ड क्या है, एक गर्ल है। ठीक है, मतलब चार लेटर का है। ठीक है, जिसका पहला अक्षर हमारा क्या होगा, वो भी होगा। ठीक है, वहाँ पर क्या लगाएंगे हम, एन। ठीक है, क्या लगाएंगे, एन। और जिसका, जैसे कि यहाँ पर देखिए समझाऊंगा, आगे समझाऊंगा आपको। ठीक है, और जिसका वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होगा, मतलब व्यंजन होगा, वहाँ पर लगाएंगे हम ए। ठीक है, किस प्रकार से, देखिए जैसे कि हम यहाँ पर तीन एग्जाम्पल इसके हैं, तीन एग्जाम्पल एन के हैं। देखिए कैसे, दिस इज गर्ल, मतलब यहाँ पर देखना है हमें यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा। ठीक है, देखिए मैंने कहा है अगर उस किसी वर्ड का पहला लेटर क्या है, हमारा वोवेल है, वहाँ पर लगाएंगे एन, और अगर किसी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर लगाएंगे ए। देखिए आप ही बताइए, मुझे मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप ही बता दोगे मुझे। ठीक है, कैसे बताओगे, देखिए इसका पहला लेटर बताइए कैसा है, जी का पहला लेटर कैसा है, कॉन्सोनेंट है, ये हमारे वोवेल्स हैं, हमारे इन वोवेल्स में से पहला, अगर वोवेल्स होता इनमें से पहला अक्षर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं यहाँ पर एन, तो यहाँ पर देखें पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर लगा देंगे हम ए। इसका मतलब दिस इज़ ए गर्ल, मतलब यह एक लड़की है। दिस माने यह, इज माने है, ए माने एक, गर्ल माने लड़की। ठीक है, यह एक लड़की है। ठीक है, देखिए दैट इज ए, देखिए दैट इज एन, यहाँ पर देखिए ए आएगा एन आएगा, आप बताएंगे पहला लेटर क्या है, देखिए वो भी लें, देखिए ए है ना, ए वो भी ले एक, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, एन लगा देंगे। दैट इज एन एप्पल, मतलब वह एक सेब है। ठीक है, मतलब वह एक सेब है। ठीक है, दैट माने वह होता है। ठीक है, इज माने है और एन माने एक और एप्पल माने सेब। ठीक है, उसी प्रकार देखिए इसमें करेंगे, देखें यहाँ पर इसको देखते हैं पहले, ही इज बॉय, देखिए वह लड़का है, मतलब अब इसमें ए का प्रयोग करना है। देखिए पहला लेटर कैसा है, हमारा कॉन्सोनेंट है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर लगा देंगे ए। ठीक है, तो ही इज ए बॉय, मतलब ही माने वह होता है, वह एक लड़का है, इस प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, इट इज अ कैट, ठीक है, इट इज़ ए कैट, यहाँ पर ए आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि पहला लेटर क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे एक, मतलब इट इज, इट का प्रयोग भी बढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इट इज़ ए कैट, मतलब यह एक बिल्ली है। अब देखिए इट इज़ एन आउल, एन क्यों आया, अब आप ही बता दीजिए, आप
क्योंकि इसका पहला लेटर क्या है, ओ है। ओ क्या है, एक ओविल है, इसका मैंने बताया इसका पहला लेटर ओ होगा। वहाँ पर क्या लगाएंगे हम, मतलब इसका पहला लेटर क्या होगा, ओविल्स होगा, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए देयर इज एग, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि पहला लेटर क्या है इसका, देखिए वर्ड का ई है, ई क्या है, एक कॉन्सनेंट है, यहाँ पर लगा देंगे एन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। अगली वीडियो में आपको मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा, जो आपको बहुत ही सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी घर पर बैठ कर पढ़ाई कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत ही अच्छी वीडियो होगी अगली भी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे विद ज्ञान एजुकेशन।